से हमने पढ़ा फाइनल कंक्लूजन, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी पक्का, और परसेंटेज वाला फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। क्लियर है कि नहीं? सेल से कारण ईबीआईटी में कितना चेंज। फिर फाइनेंशियल लिवरेज क्या बोलता था? ईबीआईटी अपॉन, आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे, आपको ये याद रखना है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बेटा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता है बेटा? ये पूरा ऑपरेटिंग मैटर है। ये कौन सा मैटर है? पूरा ऑपरेटिंग। क्लियर है क्या? और ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ईबीटी। ये कौन सा मैटर है बेटा? फाइनेंशियल मैटर। ये कौन सा मैटर है? फाइनेंशियल। इसलिए ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। क्या क्या बेटा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। क्लियर है? और क्लियर है? फटाफट बोलो। परसेंटेज वाला फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो। अब कंबाइन लेवरेज यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए प्लस नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो हाँ या नहीं? तो कंबाइन लेवरेज क्या हो जाएगा बेटा? ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? पहले का फॉर्मूला क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन, और दूसरे का क्या था? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी ईबीआईटी कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉट बेटा? कंबाइंड लेवरेज। क्लियर है क्या? और उसी प्रकार से दूसरे वाले फॉर्मूले लिखूं तो क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्लियर है क्या? फिर यहां क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। क्या क्या कट जाएगा? ईबीआईटी ईबीआईटी कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्लियर है? और क्लियर फटाफट बोल दो। नहीं आया कि आया? तो ये कौन सा लिवरेज हो जाएगा? कंबाइंड लिवरेज। ये कौन सा लिवरेज हो जाएगा? कंबाइंड लिवरेज। क्लियर है? और क्लियर बोल बच्चे। चलिए नोट कर लो, जिसको जो जो नोट करना है। यहाँ पे आपका कंबाइंड लिवरेज भी खत्म होता है, ठीक है क्या? इंडिफरेंस पॉइंट एक पॉइंट बताना है, पर उसके पहले मैं चाहता हूँ कि हम एमसीक्यू सॉल्व कर लें कुछ 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 कुछ, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए, फिर बाद में अपन डिस्कस करेंगे क्या कैसा। खा ले खा ले भाई, मत टेंशन ले, चुप के खा रहे हैं। जैसे मैंने मुंडा का मुंह बंद कर लिया उसने। क्या हो गया? अभी बच्चे मुस्कुरा रही था। मुझे पता है तू जिम्मेदार नागरिक है। चल डन हो गया, जल्दी करो ना स्पीड में डन। अरे बोल बच्चे। अब देखो यहाँ कंबाइंड लिवरेज हो गया अपना, एक वर्किंग कैपिटल लिवरेज भी है, वर्किंग कैपिटल लिवरेज भी है, पर मैं सोचता हूँ कि पहले क्वेश्चन कराते हैं, बाकी तो होता रहेगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। आ जाओ देख लो स्क्रीन में सामने। अपन ने 51 52 क्वेश्चन कर लिए थे क्या? 52 किया था। चलो क्वेश्चन में 52 करके दिखाओ। फिफ्टी टू में बस एक इंफॉर्मेशन नीचे दी है, यहां लिख देता हूं टैक्स रेट 35%। फाइनेंशियल लिवरेज निकालना स्पीड में, जल्दी करो जल्दी करें।
1.53 तो ऑप्शन ही नहीं है, 1.11 ऑप्शन है। फॉर्मूला क्या फाइनेंशियल लिवरेज का बताओ, बस करो ना। सेलिंग प्राइस दी है क्या, सेलिंग प्राइस दी है 3, वेरिएबल कॉस्ट दी है कितनी, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 2। अरे कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 2 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ले लो, कितने यूनिट्स हैं 3 लाख, कितना हो जाएगा 6 लाख, माइनस कर दोगे फिक्स कॉस्ट 3.5 लाख, 2.5 लाख क्या आ गया ये पहले ये बताओ, क्लियर है क्या। माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना लगाओगे 25,000, तो कितना आ जाएगा पक्का ईबीआईटी अपॉन ईबीटी 2.5 लाख डिवाइड बाय 2,25,000, 1.11 आंसर बन जाएगा सबको। बोलो बेटा कौन सा किया, 52 किया ना, 53 करो। पहले कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला बोलो, बिना परसेंटेज वाला बोलो, नॉर्मल बोलो ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबी, देखो ऐसे याद रखो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो यहाँ का ऊपर वाला उसका नीचे वाला, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। स्पीड में करेंगे, ऑनलाइन कौन है, साक्षी अग्रवाल वाटिका और साक्षी, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, साक्षी अग्रवाल वाटिका, साक्षी
2.66 यानी 2.67 आ गया सबका, जल्दी करो नहीं तो मैं कराना है तो बताओ। छोटी बेंच है यहाँ की बहुत। नहीं आया सबका, आ गया कराऊं कि आगे बढ़ूं? अभिषेक भैया नहीं आया, अरे बोलो ना तो फिर क्यों नहीं बोल रहे यार। सेलिंग प्राइस कितनी है देखो, 3 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 1 रुपए। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 2 × 3 लाख कितना हो जाएगा? 6 लाख। माइनस फिक्स कॉस्ट करो कितना आएगा? माइनस फिक्स कॉस्ट करो 3.5 लाख। तो ये क्या आ गया? EBIT। हाँ इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो 25,000 तो कितना आ जाएगा? ये क्या आ गया? EBT। हाँ बोलना यार, फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है मुझे बताओ? 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,25,000। पक्का? अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो एक ऑपरेटिंग लेवरेज 2. क्या लिखा हुआ है वो? पूरी हो 2.2429 लग रहा है। एंड फाइनेंशियल लेवरेज 1.069। कंबाइंड लेवरेज कितना हो? हाँ करो, एक बार 2.0429। मिसप्रिंट की दिक्कत होगी। टू पॉइंट कहाँ है? 8 लो जरा, 8। टू पॉइंट टू से कितना आ रहा है? 2.3 ना, 2.29 ले लो आंसर। क्या दिया पीछे बताओ? 54 का आंसर दे रही। कौन सा क्वेश्चन था? नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? 55 करो। चलो फिर कंबाइंड लेवरेज इज 2 एंड फाइनेंशियल लेवरेज 1.25, व्हाट इज द ऑपरेटिंग लेवरेज? आंसर निकाल के बता दो। 1.6 आ रहा है। शुभ भैया आ रहा है पक्का? अभिषेक भैया यहाँ आ रहा है सबको? मैनुश्री आ रहा है? चलो 56 इफ कंबाइंड लेवरेज 2.2926 2.2926 दिख रहा है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज इतना, फाइनेंशियल लेवरेज विल बी। खेल रहे हैं यार हम लोग। कितना है? आ गया सबका? अब ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या? काय फालतू क्लास का टाइम क्यों खराब कर रहा हूँ? मिल जाएगी ना, रो क्यों रहे हो? 57 करके दिखाओ। क्या बेटा? चलो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट EBIT होता है ना, सेम कैसे हो सकता? कॉन्ट्रीब्यूशन
बनना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये भी। 1.4 वाटिका साक्षी साक्षी भैया 3 हां भैया 3 आया भैया 3 हुआ सुन तो लिया यार कान में चिल्ला हुआ क्या। अच्छा पा तो सोच रहा था मैं, कुछ ख्यालों में था। अब बता नहीं सकते ना, हो गया फ्री आ गया सबका, जीवन में कोई दुख तो नहीं बचा। एक काम करो ना, अब मेरे को लगता है कि तुमको बन जानी चाहिए आगे के। अभी रुक जा थोड़ा, पहले ओपिनियन बनाने से पहले रुक जा जीवन में। अभी बेटा अभी तुमने फाइनेंस के दो चैप्टर में कल देख रहा था, तुम लोग को है अच्छे खासे, एक है सिक्योरिटी एनालिसिस और एक है पोर्टफोलियो एनालिसिस, दो चैप्टर के लिए। सेवेंटी सेवन करके दिखाओ। अच्छा चलो करो ट्राई, लगा पाओगे दिमाग। तो ध्यान लगा घूर रही है, आंखों से निकाल लेगी यार सब, जैसे लेजर निकलेगी वहां से सीधा आंसर लिख के आ जाए। सोलह लाख में से कितना माइनस करेंगे, 6,40,000 आ जाए। 16 लाख में 6,40,000 माइनस कर दे। नहीं आया, एक फॉर्मूले से निकाल लो दूसरे फॉर्मूले में डालो। क्या फाइनेंशियल मैनेजर की यूज कर रहे हो? देखो मैं बता दूं क्या, दो मिनट रुक जाओ हिंट कर दूं। पहले देखो कंप्यूट क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, और परसेंटेज चेंज इन क्या दिया हुआ है सेल्स, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन सेल्स कौन से फॉर्मूले में होता है, कौन से लेवरेज में होता है? अबे सेल्स और ईपीएस है ना, वहां पे सेल्स और कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे ईबीआईटी और ईबीटी होता है, दोनों को मिला के किसमें होता है कंबाइंड। तो आप कौन सा पहले नीचे क्या निकाल लो, कंबाइंड लेवरेज। तो फिर कंबाइंड लेवरेज के जो कंबाइंड लेवरेज आएगा उसको फॉर्मूला डाल के परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकाल लो, सेल्स तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज नहीं नॉर्मल वाला, कंट्रीब्यूशन अपॉन निकाल सकते हो क्या?
ईबीआईटी दिया है हमको पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू व्हाट बेटा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज व्हाट बेटा ईबीआईटी। नलायक बाबा यहां से ईबीआईटी कितना दिया है 16, ईबीआईटी कितना दिया है 16, फिक्स कॉस्ट दिया है क्या, हाँ कितना दिया है 9.6 लाख, तो प्लस कर दोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, बोल बच्चे हाँ कि नहीं, 16 प्लस 9.6 ये क्या आ गया तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन बोलो, हाँ अपॉन ईबीटी कितना है 6.40। कितना आ गया 20% ईबीआईटी, ये पूरा आंसर निकाल ले, ये ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कितना है, ये कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी कितना है पहले ये बताओ, 25.6% कितना आएगा 4, तो कंबाइंड रेट कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, अपन को पता नहीं है 1.5% चेंज इन सेल्स पता है 5%, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। दो मिनट का सवाल था, अल्लाह मचा अपने जब से आया अमूल्य आ गया परी आ गया, चले आगे करें। अब मुझे लगता है कि एक नया कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए हमको, आ जाओ देख लो यहाँ पे क्या है, हाँ भाई बुक दो कॉन्सेप्ट बचे, दोनों कॉन्सेप्ट आज कराई देता हूँ, चैप्टर खत्म करता हूँ ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंडिफरेंस पॉइंट, क्या 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 बेटा इंडिफरेंस, व्हाट इज एन इंडिफरेंस पॉइंट, पेज नंबर 122 देखो, एक कंपनी है एक्स, बोलो हाँ या नहीं, सुन रहे हो क्या, अरे बेटा एक कंपनी क्या है बेटा एक्स, आपके पास इस कंपनी एक्स को 20 लाख रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए, कितने चाहिए 20, इसके पास दो ऑप्शन है ए और बी, ऑप्शन ए क्या है कि पूरा 20 लाख कहां से ले ले, ये चलो 10 लाख डेट और 10 लाख इक्विटी, बोलो हाँ सुन रहे हो, और 15 लाख डेट और 5 लाख इक्विटी, ये दो इनके पास प्लान है, क्लियर है और क्लियर है फटाफट बोलो, इनको निकालना है कौन सा प्लान चुने वो तो ठीक ही है, यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सवाल ये है इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है वो ईबीआईटी, क्या 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 वो ईबीआईटी जिसमें दोनों प्लान में ईपीएस क्या आ जाए सेम, इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, इंडिफरेंस कल पढ़ा था कभी इकोनॉमिक्स में, प्राप्ति कर चुका हूँ क्या वजन में आ रही है ठीक है, पास हो जाए फेल, आई एम इनडिफरेंट, रिजल्ट जो आने वाला मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट, क्या बोलते हैं बेटा इनडिफरेंस पॉइंट, नहीं आने क्या बढ़िया आया ना अपना बेटा, तो मैं समझता हूँ क्या एग्जाम्पल देना क्लियर है क्या, तो इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, दूसरा मार दूंगा क्या होता है इनडिफरेंस पॉइंट, दैट पॉइंट जहां पे आपको फर्क नहीं पड़ता, तो अब मैं प्लान ए, मुझे वो लेवल ऑफ प्रॉफिट निकालना है, मुझे वो लेवल, सुनो रे, मुझे वो लेवल ऑफ प्रॉफिट निकालना है जिसमें दोनों ऑप्शंस में अगर इतना प्रॉफिट आया तो मैं ए लू या बी लू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वली सही हो जाएंगे, मतलब दैट इज लेवल ऑफ ईपीआई, क्या क्या इन विच ईपीएस, इन विच ईपीएस इक्वल, और बोथ द प्लान्स आर इक्वल, हमें इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है जहां पे हम इन डिफरेंट हो, जहां पे हम क्या हो इन डिफरेंट, हमको पता, हमको पता इस बात से हम प्लान बी ले, हमारा ईपीएस बोथ केस में क्या रहेगा सेम, डिड यू गेट माय पॉइंट, चलो अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ कैपिटल आउटले ऑफ 400 लाख, अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर्स कैपिटल आउटले ऑफ, सुन रहे हो, द रिक्वायर्ड अमाउंट कैन बी रेज आइदर बाय फुल्ली ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच और बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹200 लाख
एंड बाय लोन ऑफ 200 लाख। मतलब उसके पास एक ऑप्शन क्या है कि वो 400 लाख की इक्विटी ले ले, और दूसरा ऑप्शन क्या है 200 लाख की इक्विटी और 200 लाख का डेट ले ले। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट बोल दो। अरे बोल बच्चे, टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 400, 400, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आएंगे इस केस में 4 लाख, और इस केस में कितने आएंगे 2 लाख। क्लियर है क्या? कैलकुलेट द फिगर ऑफ ईबीआईटी दैट विल कीप द इक्विटी इन्वेस्टर्स इन डिफरेंट टू द टू ऑप्शंस। यहां पे क्या है, अगर इतना प्रॉफिट हम कमा लें तो जो इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने ईबीआईटी को कि हमने प्लान ए लिया या प्लान बी, हमने डेट लिया या डेट एंड इक्विटी का मिक्सचर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बोल दो। व्हाट इज द डिफरेंस पॉइंट? दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? दैट पॉइंट इन व्हिच ईपीएस इज इक्वल, ईपीएस इज इक्वल। कल अपन ने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे ईपीएस क्या था 0। याद है क्या? ब्रेक इवन और इंडिफरेंट में याद रखना, ब्रेक इवन तो नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पे ईपीएस क्या हो जाए 0, और इंडिफरेंट यानी कि ना मैनू फर्क नहीं पड़त, जहां पे क्या हो जाए दो, वो ईबीआईटी जहां पे ईपीएस क्या हो जाए सेम। आया कि नहीं आया बोलो मेरे लालो, ट्राई कर पाओगे क्या? हिंट दूं, ट्राई करोगे किसी ने करा दूं? एक हिंट देता हूं ना, थोड़ा दिमाग चौथा ना हो जाए। ईबीआईटी का लेट्स थोड़ा दुख होगा लेकिन लो, ईबीआईटी क्या लो बेटा एक्स, उसमें से क्या माइनस कर दो इंटरेस्ट, सुन लो ना करने लग गई, क्या माइनस कर दो इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा ईबीटी। हाँ बोल रहा है, उसमें से क्या माइनस कर दो टैक्स, तो क्या आ जाएगा ईएटी। प्रेफरेंस डिविडेंड पूरे क्वेश्चन में है नहीं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, आंसर निकाल नहीं पाओगे क्योंकि एक्स में है, बोलो हाँ या नहीं बच्चे। और ऐसे इससे निकालो, दोनों का ईबीआईटी सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर ईबीआईटी क्या हो जाएगा एक्स, माइनस क्या करोगे इंटरेस्ट, ठीक है माइनस क्या करोगे टैक्स, और दोनों को इक्वेट करके ईबीआईटी निकालने की कोशिश करोगे, बनेगा क्या? ट्राई करोगे? 10 मिनट समय दो, ट्राई करो, लेकिन भाई बैठे के टेंशन क्या। गिविंग यू 10 मिनट्स टाइम, ट्राई दिस, दोनों में ईबीआईटी एक्स लेके कैलकुलेट करो, आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो मैं कर पाऊंगा। समझे हो क्या करना है? बेटा एक्स एक्स ले सब लेते, आंसर सबका सही नहीं आता है, तो इसलिए ये एक्ट मैं
ये कोई मिरफैक्स कंपनी का है, मिरफैक MIRFAK। मैं कराऊं क्या? जल्दी करो हाँ बेटा, पूछ रहा कोई कुछ? आया तेरा नहीं आया पिछला? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन मत देखो, मुझे ये बहुत परेशान है। और करना आगे
ये कहाँ चला जाएगा, ये मैंने कितने में 4 लाख 2 लाख से ये काट दो ना, समझे? हाँ वहां 2 बचेगा बेटा, 2 लाख नहीं बचेगा, वही तुम सोचो क्या बोल लिए। चलो मैं कराऊं क्या? नहीं यार मैं बता रहा हूँ ना, जल्दी कराने नहीं दे रहे ना, जल्दी करो ना। कितना है तुम लोग को बताओ? EBIT क्या? EBIT एक्स तो हमने EBIT लिया था ना बेटा। चलो बस टाइम अब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हो गए 4 मिनट हो गए, खत्म हो गए। यहाँ देख लो यहाँ देख लो यहाँ देख लो यहाँ देख लो, सफिशियंट टाइम दे दिया मैंने, अब मेरी बारी। यहाँ देख लो बस, नहीं बहुत देर बहुत देर हो गई ना। अब अच्छे ऑनलाइन वाली नहीं दिख रही है, स्क्रीन दिखेगी ना? रुक तो जाओ, मैंने कनेक्ट ही नहीं करी ना बेटा, बोलना शुरू करूंगा तो दिखेगी। मन के तेरे ये करो सच्चे तेरे बन, चलो आओ देख लो क्या दिया हुआ है आपको। पहले EBIT दिया हुआ है? नहीं, EBIT तो निकालना है ना बेटा। क्या क्या दिया हुआ है? एक की डेट कितनी, एक की इक्विटी कितनी? फटाफट क्वेश्चन बताओ मेरे को पहले। ए में इक्विटी कितनी है? 400 लाख, और डेट कितना है? और दूसरे में कितना है? बी में 200 लाख 200 लाख, यही है क्या? डेट का रेट कितना है? ठीक है, टैक्स का रेट कितना है? ठीक है क्या? पहले केस और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? ठीक है क्या? EBIT को लेता हूँ एक्स, EBIT क्या लेता हूँ बेटा एक्स, माइनस क्या करूंगा? इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट होगा? कुछ भी नहीं, तो ये एक्स ही रहेगा, बोलो हाँ या नहीं? EBIT भी एक्स माइनस जीरो लिखा है तो एक्स ही रहेगा, बोलो हाँ या नहीं? माइनस क्या कर दूंगा? इसमें से टैक्स, टैक्स कितना है? 40% ऑफ एक्स, यानी कि 0.4x। हाँ तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा? 0.6x, बोलो हाँ या नहीं? डिवाइडेड वे क्या कर दोगे? नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है बेटा? 4 लाख, तो 0.6x डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये ईपीएस आ गया इसका, बोलो हाँ या नहीं? नहीं कि हाँ। अब यहाँ पे लो एक्स माइनस इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा, बताओ मेरे को? 200 लाख का 15% कितना आएगा? सॉरी, कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 30 लाख, इसका 40% माइनस करना है, बोलो हाँ या नहीं? तो आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? 0.6x माइनस 30 लाख का 60% कितना हो जाएगा? आफ्टर टैक्स आ गया, बोलो हाँ या नहीं? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने? क्लियर है क्या? जिन लोग समझेंगे नहीं, आमने सामने काटने वाला, इसलिए ऐसे बता रहा हूं। 0.6x डिवाइडेड बाय इक्वल टू 0.6x डिवाइडेड बाय, ये 2 लाख से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, ये समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं हम, नहीं आ रहा है कि आ रहा है? ये ज्यादा है तो 4 लाख को यहाँ भेज लो, यहाँ कितना है? 2 लाख, बोलो, और ये 4 लाख को यहाँ भेज दो, सिर्फ एक ही को भेजो, आया? ये सब कट गया, ये कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 2 बचा, बोलो हाँ या नहीं? क्लियर है? ऑल क्लियर। तो अब क्या करोगे? 0.6x into 2 कितना करोगे? 0.6x into 2 कितना? 0.6 into 2 कितना होगा?
1.2x माइनस 18 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा 36 लाख। क्लियर है क्या? किसी को कितना हो जाएगा 0.6x। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 0.6x माइनस 1.2x इसी को 36 लाख माइनस 36 लाख ठीक है ना। 0.6 माइनस 1.2 कितना आएगा 0.6x इसी को कितना आ जाएगा 36 लाख। माइनस माइनस कैंसिल नहीं आया कि आया तो 36 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 0.6 नहीं आया कि आया 36 डिवाइड बाय 0.6 कितना आ गया बेटा 60। क्लियर है और क्लियर? तो कैसे कैलकुलेट करना है हमको इंडिफरेंस पॉइंट? कैसे कैलकुलेट करना है इंडिफरेंस पॉइंट? व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट? व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट? दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? दैट पॉइंट इन व्हिच ईपीएस इज इक्वल। तो एक बार ईबीआईटी एक्स लेके और दूसरा ईबीआईटी एक्स लेके और दोनों को क्या कर दोगे सॉल्व। दोनों क्या कर दोगे सॉल्व। जहां जो उस कॉमन ईबीआईटी का आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? फटाफट बोल दो क्या हो गया भाई, क्यों पीट रहा उसको? गलत करा दिया उसने तेरा। लो ना जिंदगी में सोल्यूशन देखो है कहां मैंने किया तो यही है क्या? यही तो है ये वाला। चलो क्या बोल रही हो रपिता? पूरे टाइम तुम्हारी पटर पटर चलती रहती है ना। वो बेचारी सुन सुन के परेशान है तुम्हारी बारहवीं कक्षा से। एक दो बार उसने अपने दुख बताए हैं मेरे को। क्या हो गया बेटा? इंस्टाग्राम चलना क्यों कहा बेटा? जो भी गार्डन में बैठी हो क्या? चलो आया कि नहीं आए? अरे बोल बच्चे। चलिए एक और लेवरेज करना है कि 5 मिनट का ब्रेक देके अकाउंट चालू करना है। वर्किंग मेट मेरी क्लास 2 बजे तक है तो 2 से 2 से चलो बस वर्किंग कैपिटल लिवरेज देख लो। अच्छा चलो एक काम करो जाओ 5 मिनट का ब्रेक ठीक है क्या? उसके बाद हम अकाउंट्स करेंगे ठीक है क्या? अकाउंट्स इससे भी ज्यादा गंदा है मैं बता दूं तुम्हें ठीक है। और लिवरेज का तुम्हारा सारे क्वेश्चंस होमवर्क है ठीक है। पांच मिनट का ब्रेक है उसके बाद अपन अकाउंट चालू करेंगे।